हेलो गुड मॉर्निंग भाई, वेलकम टू गौरव का टेक। आज आप लोगों के लिए कंपैरिजन लाया हूं मैं ब्रेजा VXi दोनों वेरिएंट्स का, 22 का भी और 20 का भी। अब आप दोनों गाड़ी फ्रेम में बता सकते हैं कमेंट में कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में, 22 या 2020। देखो यार, मारुति की गाड़ी है, गाड़ी तो दोनों अच्छी लग रही है, दोनों वैल्यू फॉर मनी। अपने टाइम पे वो वैल्यू फॉर मनी थी, इस टाइम पे ये वैल्यू फॉर मनी है। मेरा मानना तो यह है कि मारुति की ना आप कोई भी गाड़ी उठा लो, XYZ कोई गाड़ी ले लो, वैगनार से लेके सारी गाड़ी ही वैल्यू फॉर मनी है मारुति की। बट आप इनका फ्रंट देख सकते हैं कि जहाँ VXi का इन्होंने जो न्यू वेरिएंट था रिसेंट जो इन्होंने लॉन्च किया रिसेंटली, उसका हुड थोड़ा इन्होंने ऊंचा कर दिया और यहाँ आपका ये 2020 खड़ी है। इससे पहले वाला वेरिएंट, इससे प्रीवियस वेरिएंट, दोनों का लुक चेकआउट कर सकते हैं आप, गाड़ी कैसी लग रही है। हालांकि हाइट में फ़र्क बता रहे, बट मुझे कुछ हाइट में 45 mm का फ़र्क बताते हैं ये मारुति वाले, बट मुझे कुछ ऐसा खास डिफरेंस दिखता नहीं। और देखो चेंज कितना कर दिया इन्होंने दोनों वेरियंट्स में। जो फीचर आपको इसमें दिए थे वही कॉस्ट कटिंग कह दो, या अकॉर्डिंग टू इनकी जैसे टाइम अपडेशन होती है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग चेंज किया इन्होंने काफ़ी चीज़ें इस VXi के अकॉर्डिंग, इस VXi में हटा दिए हैं। हटाया क्या क्या है मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा, बट पहले फ्रंट से स्टार्ट करें तो इसमें आपको डुअल LED प्रोजेक्टर मिल जाते थे विद DRL। इसमें प्रोजेक्टर और DRL दोनों चीज़ हटा दिए, सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है वो भी हैलोजन। आप देख चुके हैं इसका एक्सटीरियर जो फ्रंट लुक है। अब स्टार्ट करते हैं इसके की से स्टार्ट करते हैं। तो की आपको जो पहले मिलती थी वो मिलती थी इस तरह की, VXi में स्मार्ट की मिल जाती थी और कीलेस एंट्री, और इसमें आपको दे दिया है की। सेंटर लॉकिंग अभी भी इसमें है, बट की के अंदर ही जो पुरानी LXi के अंदर रिमोट आया करता था वो सेम इन्होंने VXi वाली की बना दी है। तो कुछ इस तरह की कीज मिल जाती है हमें। ये कहीं ना कहीं एक इन्होंने जो कम किया है, जो फीचर कम किया इन्होंने, मुझे लगता है कि ये इनको मारुति वालों को रखना चाहिए था, जिससे कि थोड़ा यार कस्टमर ना सेटिस्फाई रहता, स्मार्ट की मिल गई। जैसे मैं भी उस टाइम काफ़ी सेटिस्फाई था, डुअल LED प्रोजेक्टर है, आपका कीलेस एंट्री है, ORBM ऑटो कंट्रोल, चलो वो तो इसके अंदर भी एडजस्टेबल रिएक्टेबल। तो फ्रंट तो मैं आपको दिखा चुका, वहीं साइड प्रोफाइल से आप दोनों गाड़ी चेकआउट कर सकते हो कि कैसी लग रही है देखने में। हालांकि दोनों सेम लेंथ पे खड़ी हुई है, लेंथ और हाइट विड्थ वगैरह सब कुछ सेम होने वाली है। वहीं आप स्टार्ट करें, इसमें आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता यहाँ पे देखने के लिए। ड्राइवर साइड 2020 है, इसमें आपको ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको स्मार्ट कीलेस एंट्री मिल जाती थी, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता था, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के फीचर मिल जाते थे, और स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल भी देखने के लिए मिल जाते थे। एंट्री करेंगे हम 22 में, तो यहाँ आपको की मिलती है देखने के लिए। सबसे माइनस पॉइंट जो दिया इसमें, ट्रैक्शन पॉइंट दे दिया है। मेरे VXi में 20 में ट्रैक्शन का ऑफ ऑन ऑफ का बटन नहीं था, बट इसमें ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन दे दिया। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल इन्होंने इसमें भी दे दिए, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी दे दिया है, और इसमें टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया जो मुझे नहीं मिलता था, और क्लस्टर कंट्रोल वगैरह तो आप पूरा जानते हैं चेंज हो चुका है। चेंज की बात करूं तो इसमें शार्क फिन एंटीना दे दिया, रूफ रेल्स हटा दिए। इसमें आपको रूफ रेल्स मिल जाते थे बट शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता था, एंटीना कुछ इस तरह का मिलता था जो मेरे एंटीना को तो कुत्ते बंदरों ने खा पी के निपटा दिया, वो तो खत्म कर दिया। अब वहीं बात करें इसकी रेयर लुक की, तो रेयर लुक भी आप दोनों गाड़ियों को चेकआउट कर सकते हो। पर्सनली मुझे इसका रेयर लुक बहुत पसंद है, मुझे क्या हर किसी को इसका रेयर लुक बहुत पसंद है। और इसमें जो इन्होंने दे दिया VXi वेरिएंट्स, LXi वेरिएंट से स्टार्ट कर दिया, ये आपको स्मार्ट हाइब्रिड मिल जाता है और ये आपको स्मार्ट हाइब्रिड नहीं मिलता था। बट मेरा मानना यह है कि जो आपकी माइलेज है आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करती है, ना कि स्मार्ट हाइब्रिड पे या किसी पे भी, क्योंकि जो हमारे इंडिया का ड्राइविंग स्टाइल है, ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलाने का, उसमें मुझे नहीं लगता कि स्मार्ट हाइब्रिड भी इतनी ठीक तरीके से काम कर पाएगा। कर पाता है तू सर भाई? भाई कुल मिला के आप सही कह रहे हो, ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर ही डिपेंड करता है। स्मार्ट हाइब्रिड भी तो जब ही काम करेगा ना, जब आप ड्राइव सही तरीके से करोगे। अब अगर आप भगा पंजाई दबा के रखोगे तो स्मार्ट हाइब्रिड की बैटरी थोड़े से टाइम के लिए आपको सपोर्ट देती है, अब वो ऊपर से उससे उधर निकल जाएगी पार, फिर आपका सारा पेट्रोल ही खाएगी वो। तो ड्राइविंग स्टाइल के साथ भी आपको लेके चलना पड़ेगा जब भी आप माइलेज निकाल पाओगे। तो भाई यही कहना मेरा था जो तुषार भाई ने आपको बताया, बाकी आप गाड़ी चेकआउट कर सकते हैं दोनों। बस इसमें चेंजेस जहाँ से हुआ है, लेंथ सेम है गाड़ी की, जो इसका क्वार्टर पैनल ग्लास हुआ करता था ये थोड़ा इन्होंने बड़ा कर दिया, इसका यहीं तक था, बाकी पार्ट सारा आपको मेटल में मिल जाता था, बॉडी पार्ट था, बट ये पूरा इन्होंने ग्लास बना दिया है यहाँ पे। ये चेंज है और कुछ ऐसे इसमें इंटीरियर चेंज तो आप सब वीडियो में देख चुके होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबी करूँ इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप लोग भी कहोगे क्या पका रहा है यार, तो भाई
आप दोनों गाड़ियों का रियर लुक भी चेक कर सकते हैं। मैंने फ्रंट भी आपको दिखाया कि गाड़ी का रियर लुक कैसा लग रहा है। और भाई अपनी अपनी चॉइस है, देखो पुरानी चीज तो पुरानी रहेगी, बाकी जो इसका लुक दिया ना इन्होंने वो तो हैट्स ऑफ है यार मारुति का, क्योंकि मुझे ही पर्सनल इतना पसंद है। मैं जबकि पुरानी वाली ब्रेजा ऑन करता हूँ, बट मुझे भी ये पर्सनली इतना पसंद है कि बता नहीं सकता, एक लग्जरी गाड़ी का फील देती है। बाकी हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर वगैरह सब कुछ सेम है, बूट स्पेस वगैरह सब कुछ सेम है, टायर साइज में फर्क है। VXI में आपको 215/16 मिल रहा है और इसमें आपको 205/16 मिलता है। अलॉय साइज सेम है, बट जो टायर का साइज है उसमें फर्क है थोड़ा, जो उसकी विड्थ है चौड़ाई है वो 205 से 215 कर दिए इन्होंने। तो भाई गाड़ी आप साइड प्रोफाइल से भी देख सकते हैं। और जो ये बोल रहे हैं ना 45 mm, मुझे थोड़ा लग रहा है मेरी गाड़ी में रूफ रेल्स है, तो सर भाई गाड़ी में रूफ रेल्स नहीं है, बट फिर भी गाड़ी दोनों बराबर लग रही है देखने में, तो हाइट में तो इसकी लेंथ में तो फर्क डाला इन्होंने। तो भाई कुछ ऐसा ही कंपेरिजन है। बाकी इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो एक बार वो भी खोल के आपको दिखा देता हूँ। भाई इंजन भी आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ जो 2020 है उसका इंजन ये है, बस थोड़ा सा फर्क है 103 BHP और तकरीबन 86 Nm का टॉर्क जनरेट करती थी, 86-88 का, उसमें कुछ एक दो पॉइंट घटा दिए, 102 BHP है और शायद 84 या 83 Nm टॉर्क जनरेट करती है। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशन पूरी सेम है, तकरीबन सेम वो इंजन है, जबकि इसमें हमें उम्मीद थी कि डुअल जेट आएगा, बट इन्होंने वही इंजन दे दिया जो कि इसमें हमें पहले से मिल रहा था। तो भाई ये थे दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन, मेन डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिया, क्या क्या डिफरेंस। मैं मारुति वालों से कहूंगा भाई कम से कम इनमें VXI से कम से कम हमें फॉग लैंप्स तो देने स्टार्ट कर दो यार, हम भी पैसे डाल रहे हैं स्टॉक गाड़ी रखे, कम से कम इतना तो करो। बाकी भाई कंपनी के अपने अपने, इनके फुल R&D के बाद गाड़ी तैयार होती है, हम कह नहीं सकते कि किस वजह से दे रहे नहीं दे रहे। बाकी भाई कंपैरिजन में आप बताएं गाड़ी कैसी लगी कमेंट में बताइए, आप वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।